नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल के कौन नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में हम आपको चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए IPL के 29वें मुकाबले की पूरी हाईलाइट बताएंगे। दोस्तों ये तो बताएंगे इस वीडियो में आगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी IPL के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जल्दी से आप तक पहुंच जाए। दोस्तों आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच IPL का ये मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या नहीं खेले थे। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान राशिद खान ने पहले टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके जवाब में दोस्तों आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा मैदान पे उतरे। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले मुकाबले में रॉबिन उथप्पा ने शानदार प्रदर्शन किया था, ऐसे में उनके फैंस को उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन रॉबिन उथप्पा सिर्फ 3 रन बना के पवेलियन लौट गए। उन्हें मोहम्मद शमी ने LBW आउट कर दिया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इस IPL मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ उतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे, लेकिन इस मुकाबले में उनका प्रदर्शन देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि 48 गेंद में उन्होंने 73 रनों की पारी खेली, 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे। वहीं दोस्तों आपको बता दें 3रे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे मोइन अली ने सिर्फ 1 रन बनाया। दोस्तों आपको बता दें कि अंबादी रायडू ने भी इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने 46 रनों का योगदान दिया। वहीं दोस्तों पिछले मैच में शिवम दुबे ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस मुकाबले में वो सिर्फ 19 रन बना पाए। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कप्तान रविंद्र जडेजा ने भी नाबाद 22 रनों की पारी खेली, और दोस्तों आपको बता दें कि 5 विकेट खो के 170 रनों का लक्ष्य चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस के सामने रखा। दोस्तों आपको बता दें कि 170 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छा नहीं हुई, सुमन गिल ने इस मुकाबले में 0 पे आउट हो गए। वहीं दोस्तों रिद्धिमान शाह ने 11 रन का योगदान दिया, विजय शंकर भी इस मुकाबले में नहीं चल पाए, वो भी 0 रन बना के पवेलियन लौट गए। वहीं दोस्तों ए मनोहर भी 12 रन ही बना पाए, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में डेविड मिलर ने गुजरात टाइटंस की नैया को बचाया। आपको बता दें कि डेविड मिलर ने शानदार बल्लेबाजी की। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल तेवतिया को भी उनके फैंस अच्छी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 6 रन बना पाए। ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस जीत जाएगी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अंत में ये मुकाबला काफी टक्कर वाला हो गया और आखिर में गुजरात टाइटंस को ये मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जल्दी से आप तक पहुंच जाए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।